हमारे स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि सर कुछ भी कपड़ा उपड़ा खरीदने जाते हैं तो उस पर एमआरपी रेट प्रिंट करके हमको तब बिल दिया जाता है, तो एमआरपी रेट प्रिंट कैसे होगा? एक्टिवेट तो कर देंगे आप, ठीक है, तो वो आज देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से हमको परचेज वाउचर में चलना है, तो स्टॉक आइटम बनाते समय ही ये सब होगा। तो अभी क्या करना है हमको, अभी परचेज वाउचर में हम हैं, तो यहाँ पर ले लिया हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर और वो डेट आ गए जिस डेट पर होगी परचेजिंग। यहाँ पर कोई भी क्रेडिटर पार्टी का लेजर ले लेते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, स्टॉक आइटम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ वायरलेस माउस, तो ये कर दिया वायरलेस माउस, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको कौन सा बटन प्रेस करना है, F12 बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही F12 बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। दूसरा ऊपर दिख रहा होगा ही प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको अगर यस नहीं करेंगे तो प्रिंट होकर नहीं आएगा, एक्टिवेट तो हो जाएगा लेकिन प्रिंट होकर नहीं आएगा, तो इसको भी यस कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल ए करिए, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया। अब एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे एनओएस बनाया मैंने, एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, तो ये स्टैंडर्ड रेट यस कर दीजिए, वाई प्रेस कर देंगे यस हो जाएगा, 1 अप्रैल से ही लागू हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमको खरीद रेट पड़ी है 500 रुपए की, ठीक है, और इसको ले जाकर के जब हम बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे इसकी, इसकी प्राइस रखेंगे 1100 रुपए, तो ये हमने 1100 कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए 6 ठो लेके आए हैं तो एक की कीमत हमको 500 पड़ी है, ठीक है। अभी जीएसटी वीएसटी छोड़ते हैं, अभी डायरेक्टली यहीं आते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब सेलिंग की बात कर ले, तो सेल करने के लिए कहाँ जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, तो F8 यहाँ से प्रेस कर लेते हैं सेल्स वाउचर में जाने के लिए। अब देखिए डेटर पार्टी भी बनाया मैंने, आप चाहे तो कैश में भी कर सकते हैं, तो डेटर पार्टी में ले लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे एंटर प्रेस करते हुए, फिर यहाँ सेल्स था वायरलेस माउस, तो ये वायरलेस माउस ले लिया हमने, ठीक है। क्वांटिटी कितनी, 2 ठो सेल कर रहे हैं, कीमत कितनी आ गई अपने आप, 1100 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। अब एंटर प्रेस किया और अब इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये है। अब इसका हम प्रिंट देख लेते हैं, तो 2 बार डी प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यही हमारा गौरव डी यही है, ठीक है। और यहाँ पर ऑल्ट के साथ अगर पी प्रेस करता हूँ तो अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना, जब आप ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो एक बार एंटर प्रेस कीजिएगा, फिर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आइएगा। जब यहाँ पर आएंगे तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 100 MRP मार्जिनल, तो ये तब आएगा जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, सेट स्टैंडर्ड रेट को, तो यहाँ पर यस कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, जीएसटी तो लगाया ही नहीं, छोड़िए, तो अब कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो यहां पर जब प्रीव्यू देखेंगे तो यहां पर एमआरपी शो करेगा, देखिए यहां पे एमआरपी आ रहा है, भले ही लिखा नहीं है मैंने, एमआरपी दिया ही नहीं उस समय, तो यहां पर लेकिन शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप किसी स्टॉक आइटम को बनाते समय एमआरपी दे देंगे तो एमआरपी भी आएगा यहाँ, ठीक है, परचेज में ही नहीं दिया मैंने, तो इस तरह से आप एमआरपी को ले सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ परचेज में जाकर के कैसे एमआरपी सेट करना है, लगा के भी देखेंगे, कैश कर देते हैं, चलिए एक बार कैश करते हैं, बदल के करना चाहिए, यहाँ पे आए ये, अभी तो खैर इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, परचेज अकाउंट का लेजर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं हेडफोन कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आएंगे, एनओएस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पर वाई प्रेस करना है आपको, यहाँ पर इसका रेट सेट करते हैं, तो रेट इसका खरीद रेट 760 रुपए पड़ रहा है, ठीक है, 760 रुपए खरीद रेट है, और ले जाके बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, कम से कम 1200 रुपये का बेचेंगे, ठीक है, 1200 रुपये कर दिया यहाँ पे, ये तो कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको एमआरपी दिखेगा जो मैंने छोड़ दिया था उस समय, तो यहाँ पर आप इसको यस कर दीजिएगा, तो यहाँ इसको भी यस करता हूँ, इसको भी यस करता हूँ, और यहाँ पर आप एमआरपी रेट डाल दीजिए, तो एमआरपी रेट यहाँ 1300 दिखाएगा, ठीक है, तो आप कहिएगा कि हाँ हम आपको कम में बेच रहे हैं, ठीक है, तो यही होता है। तो ये हो गया आप क्वांटिटी, हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, एंटर प्रेस किया, जीएसटी वीएसटी छोड़ते हैं, अभी इसको एक्सेप्ट करा लिया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है, सेल्स वाउचर में जाना है, तो यहाँ से F8 बटन प्रेस कर लीजिए ना, F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आ गए सेल्स में। अब यहाँ पर कैश ही ले लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, और यहाँ पर अब बात कर लेंगे हम किसकी,
हेडफोन की, तो ये हेडफोन हो गया। अब मान लीजिए हेडफोन दूर को बेच दीजिए, तो यहाँ पे 1200 रेट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे एमआरपी मार्जिनल शो कर रहा है कितना, 1300 रुपया, ठीक है। तो ये एंटर प्रेस करके और आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब आप प्रिंट देखेंगे इसका, बाहर आइए, यहाँ पे दो बटन प्रेस कीजिए, यही है, ठीक है। ये हेडफोन वाला कौन सा था, ये कैश वाला है, ठीक है। तो ये आल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, एक बार आई बटन प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कि यहाँ पर एमआरपी भी प्रिंट होकर आया है। ये देखिए ये एमआरपी लिखा हुआ है 1300 रुपए, ठीक है। लेकिन आप देख कितने का रहे हैं, 1200 का ही रेट लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।